तो आज हम जानेंगे पहले स्टेप के बारे में। पहला स्टेप है लंघन यानी उपवास फास्टिंग। आयुर्वेदा में कहा गया है लंघनम परम औषधम, मतलब उपवास एक श्रेष्ठ चिकित्सा है। लेकिन लंघन यानी उपवास आपको घंटों गिन के नहीं करना है। तो सिंपल रूल ये है कि जब भी खाना ठीक से ना पचा हो, भूख नहीं लगी हो, पेट में भारीपन हो, तब आपको कुछ भी नहीं खाना है, ताकि हमारे सिस्टम के लिए ये जो अपचित आहार है यानी कि इनडाइजेस्टेड फूड, उसको पचाने का टाइम मिल सके। जिन लोगों का डाइजेशन बार बार ख़राब होता है तो वो लोग वीक में एक दिन उपवास कर सकते हैं। जैसे आप सुबह का खाना खा लो, शाम का खाना स्किप करना है। अगर आपको भूख लगती है तो बीच में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीना है या फिर फल खा सकते हैं। सबसे इजी फास्टिंग है शाम का खाना 7 बजे तक या सूर्यास्त तक खा लो। अगले दिन अच्छी भूख लगने तक फास्टिंग करनी है, ताकि ये जो खाना डिपॉजिट होने की टेंडेंसी है या फिर अपचित रह जाना है, ये पूरी तरह से प्रोसेस स्टॉप हो सके। तो इस तरह से पहला स्टेप था लंघन मतलब उपवास। आगे के स्टेप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।